लोगों ने वॉकआउट किया, और जब वॉकआउट किया तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान ही कहा कि सत्य सुनने की ताकत नहीं है, इसलिए फिसल गए। पहली बात तो हमने 2.25 घंटे का भाषण का लोकसभा का सुना। विपक्ष क्या चाहता था? दो बातें चाहता था, मणिपुर के बारे में कुछ कहिए, नहीं बोले। नीट के बारे में कुछ निर्णय करिए, नहीं बोले। बात यह है कि वे मदर ऑफ डेमोक्रेसी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जाके कहते हैं भारत को, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी में भारत में वे विपक्ष को सुनने तक तैयार नहीं है। अगर राज्यसभा में दोनों सदनों में से सबसे वरिष्ठ हमारे दलित नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 1971 से विधायक बन गए थे, वो केवल यही चाह रहे थे कि मुझे 2 मिनट बोलने का समय दीजिए, कुछ प्रधानमंत्री जी के भाषण के जो उन्होंने उल्लेख किया था उस पर कुछ बात करना चाहते थे, अगर वो दे देते तो क्या बात करते, और यदि वो दे देते तो चेयरमैन साहब को भी मजबूरी में देना पड़ता। लेकिन ये इनका चरित्र जो है, इनका चरित्र शुरू से अनडेमोक्रेटिक रहा है, और यही आरएसएस की ट्रेनिंग भी है कि बस अपनी बात सुनाओ, दूसरों का सुनने के लिए आपके पास आवश्यकता नहीं है। ट्रेलर की बात किया, ये भी ट्रेलर था जो शुरुआत के 10 साल का है। हाँ, तो ट्रेलर ये था कि पिछले बार 145 निकाले थे, अब बाकी जो बचे थे उन सबको निकाले।